हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो ये स्पेसिफिकली आपके लिए है, ये उनकी करंट फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि करंट फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आप अपने लाइफ में क्या क्या कर रहे हो वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं करंट फीलिंग्स। और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मतलब कि वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, पिंक और ऑरेंज। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आपको उस रीडिंग को सुनना है। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। इससे पहले कि हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे पिंक पाइल की, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे ऑरेंज पाइल की। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो बेसिकली करंट फीलिंग्स अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी बात ये है, आपके लिए इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग है उसमें एक वेट की एनर्जी नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, या आपके लिए या किसी और पर्सन के लिए वेट कर रहा है, काफ़ी समय से वेट कर रहा है, या अपने जॉब के लिए काफ़ी टाइम से ये पर्सन वेट की एनर्जी में है। ओके, सो अगर आप लोगों की बात होती है तो अभी भी ये कनेक्ट करने में टाइम लेंगे, क्योंकि अभी भी ये पूरे तरीके से उस एनर्जी पे नहीं है जहाँ पे कि ये कनेक्ट करें डायरेक्ट आ करके। सो ये पूरे सिचुएशन में इनके लिए आप उनके मन में आपके लिए काफ़ी वेट है। ओके, दूसरी जो बात है वो ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ऑफकोर्स ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके साथ ज़िंदगी इनकी जैसी भी हो ये इनको बहुत ही पसंद आई, बहुत ही पसंद है। ओके, और चेंजेस लाने का टाइम यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हैप्पी इवेंट्स, हैप्पी कनेक्शन, आप दोनों के बीच में एक हैप्पी कनेक्शन वाला टाइम आ सकता है जब आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड फील करें। ओके, चीज़ें आगे जा कर के आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं यहाँ पे वो थोड़ा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो आपसे बेहतर है। ओके, वो उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, तो एक फैक्टर वो है, थोड़ा ये पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकता है, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव होना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कराना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना, ओके, चीज़ों को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंट रहना। सो एक ऐसा रिलेशनशिप भी है आपका जिसमें इनको एक कॉन्फिडेंस है कि भाई ये तो पर्सन मेरे साथ रहने ही रहने वाला है। आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे जा रहा है आपका रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने की कोशिश ना करें, ना आप ना आपके पार्टनर। अगर दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता है, लाइक आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, तो फॉर दैट मैटर जो फ्रीडम है सिचुएशन का वो किल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, एक इनके अंदर एक विल है इन चीज़ों को रखने की, इन चीज़ों को नहीं जाने देने की, एक ज़िद है, ओके, कि ये आपके साथ रहना ही रहना चाहते हैं। ये अपने स्किल्स को
इनको अगर आपके बारे में पता है चीज़ें, ये जानते हैं कि आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो, तो ये इस चीज़ को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, और पास्ट में इन्होंने इन चीज़ों को नेगेटिवली यूज़ भी किया है, मगर शायद कमिंग टाइम में ये इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे. एक लॉस होने का चांस बहुत बनता है. लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट ना होना, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना, डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना, और आप लोगों के रिलेशनशिप में एक शक तो है. मे बी आपको कभी ऐसा लगता होगा कि वो इनहेरेंटली चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी कभी इनको ऐसा लगता होगा कि ये आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. तो रिलेशनशिप में बहुत अभी के टाइम में देखिए, अभी जो करंट फीलिंग्स चल रही है उसमें एक चीज़ तो है कि या तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी या तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी बात मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. उनको ये चीज़ पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात को मनाने के लिए. और यही सेम सिचुएशन आपके मन में एक ऐसा, आपके मन में एक ऐसी एनर्जी लेके आएगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि शुड यू कीप द रिलेशनशिप और नॉट, क्या आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनका मैनिपुलेशन, बात छुपाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं. अभी थोड़ा कम हुआ है, आने वाले टाइम में थोड़ा कम होगा, बट ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है. बट हाँ, ये पर्सन आपके ही साथ रहना भी चाहता है, बट वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना भी चाहता है, और ये पर्सन आपको जज भी करेगा. जज इन द सेंस कि सी, कुछ लोग तो लीगल पे ही चले गए होंगे, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो सेपरेशन को लीगल पे लेके गए होंगे, और कुछ लोग रिलेशनशिप को ही जज कर रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया. तो आपको हमेशा ये चीज़ सुनने को मिल सकती है कि आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया. तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दे सकती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके कान में डाली जा रही हैं, उनको बोली जा रही हैं, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो उनको नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है. अगर आप अपनी बात इस पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक तो मैनिपुलेशन की एनर्जी, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की एनर्जी, अपने ज़िद पे कुछ भी करने की एनर्जी, तो अगर आप कुछ बोलोगे तो इनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी. रादर उनको ऐसा लगेगा कि आप हर टाइम बोलते ही रहते हो, और आपको ऐसा सुनने को भी मिल सकता है कि आप कंटिन्यूसली उन्हें कुछ ना कुछ बताते ही रहते हो. तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा लोनली रह के, थोड़ा अकेले रह के बेहतर लगता है, और अपना पाथ ये खुद चलना चाहते हैं. खुद से चलना चाहते हैं, या आपकी बात कम ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात या किसी की भी बात, नॉट फॉर दैट मैटर आपकी ही बात नहीं, किसी की भी बात सुन के इनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अब क्या. अपने रिलेशनशिप को ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजिबल भी नहीं होने देना चाहता है करेंटली, और बहुत ज़्यादा छुपा के भी नहीं रखना चाहता है. तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा, और जिन लोगों को पता होगा उनको सर्टेनिटी भी नहीं होगी. हाँ, किसी किसी केस में बहुत सारे लोगों को पता है, बिकॉज ये आपका एक सेटल्ड रिलेशनशिप है. ये आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है जो दुनिया के सामने है, बट इनसाइड स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है, और आपका माइंड फिर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बंध गया है. आपको इस पूरे सिचुएशन से थोड़ा फ्रीडम चाहिए, मगर वो फ्रीडम आपको कहीं मिल नहीं रही है. मैनिफेस्ट करें इस पर्सन को, थोड़ी इनकी एनर्जीज चेंज होंगी. कमिंग टाइम में ये एक्शन तो नहीं लेंगे, मगर आपके साइड से किसी रिस्पॉन्स का ज़रूर वेट कर सकते हैं. अब वहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर आप रिस्पॉन्स देते भी हो, तो यहाँ पे होगा क्या कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आप इनको सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहे हो. जो हो सकता है वो आपको बहुत सारी सच्चाइयों से रूबरू नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉकेज उनको आप में भी नज़र आ रहा है कि आप शायद इन्हें सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहे हो. तो ये चीज़ से ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पा रहे. ही लाइक्स, शी लाइक्स दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू कीप इट, बट दे आर नॉट श्योर हाउ टू कीप इट.
ये श्योर नहीं है कि इनको चीज़ें रखनी कैसे है, क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे हैं इन्हें शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि एक तो वो रास्ता इनके भागने के लिए नहीं है, जिस चीज़ के तरफ ये एम कर रहे हैं वो चीज़ इनके दायरे से ऊपर है, और जो एक ज़िद इन्होंने रखी है, जो एक वन साइडेड जजमेंट शुरू कर दिया है रिलेशनशिप का, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अभी इनको अपने थॉट से भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में गिव की एनर्जी मुझे थोड़ी भी नहीं नज़र आ रही है। गिव ये पर्सन तभी करेगा जब रिसीव करेगा, तो आप और ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएशन चाहिए होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो मतलब आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो, और इस रीज़न से भी ये मुंह मुड़ा के खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे एक्ट करना रिलेशनशिप में जैसे कोई रिलेशनशिप था या नहीं इस पर भी डाउट हो जाए तो ये पॉसिबल है। कि बहुत हद तक ऐसा हो कि ये इस तरीके से बिहेव करें कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये रिलेशनशिप था भी या नहीं, मगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी सेटल ग्राउंड पे है, काफ़ी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में इसलिए ये चीज़ें अभी भी टिकी हुई है। कुछ बिटर रियलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की जो आपको अब रियलाइज़ करके देखना होगा। उसमें आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है, उसमें कोई आपको ऐसा ही पर्सन गाइड कर सकता है जो आपके फैमिली फ्रेंड्स इन सारे चीज़ों से दूर हो। कोई ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड ना हो आपसे, ऐसा ही पर्सन आपको गाइड कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये आपका जजमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, तो अगर आपने ये कहा कि देखो तुमने मुझे दो बार ही कॉल किया दिस इज़ नॉट डन, तो हो सकता है अगले बार से वो दो बार भी कॉल ना करें। क्योंकि ये दूसरे का जजमेंट लेने को रेडी नहीं है। फ्रीडम आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो बहुत हिसाब किताब रहता है इस रिलेशनशिप में, और ये चीज़ एक टेंशन का फैक्टर है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, क्योंकि फ्रीडम अगर नहीं मिलेगी तो आपको भी दिक्कतें आएंगी और उनको भी दिक्कतें आएंगी। अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, आपके पार्टनर अपने नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा तो रही हैं, मगर अभी भी कुछ नेगेटिव आदतें जो आपके पार्टनर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उसको आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं है, उसको अभी भी इन्होंने पकड़ के रखा है। तो बैक एंड अगेन जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आप जिस रिलेशनशिप में हो शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए कार्मिक भी हो सकता है, किसी कार्मिक साइकिल पे रन कर रहा हो ये भी पॉसिबल हो। अगर आप मैरिड हो और आपके घर में एंसेस्टर्स की पूजा होती है और आप नहीं करते हो तो अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अपने एंसेस्टर्स की पूजा करनी शुरू कीजिए। गड़े मुर्दों को रिलेशनशिप में निकालने से अब कुछ भी नहीं होने वाला, वो एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको कभी फ्रूट्स भी नहीं देगा, फ्लावर भी नहीं देगा और ग्रो भी नहीं करेगा। तो जो पास्ट इश्यूज़ हैं उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दोनों को ही जाने देना पड़ेगा। प्रिकॉशन की रिलेशनशिप में ज़रूरत है, और दोनों अगर आप उनको जज कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, अगर वो आपको जज कर रहे हैं तो उन्हें बोलिए कि वो आपके साथ ऐसा करना बंद करें, वरना वो आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को एक अलग ही वे में ले जाएंगे। हो सकता है आपने कोई काम बस वैसे ही कर दिया हो, बहुत सारी चीज़ें हम बिना कुछ सोचे कर देते हैं। कोई ऐसा उनके पीछे कोई इनहेरेंट लॉजिक नहीं होता कि इसलिए ऐसा किया जा रहा है बिकॉज चीज़ों को इस तरीके से रखना है। तो वहाँ पे क्या है कि ये पर्सन ईच एंड एवरी थिंग को जज कर रहा है, ये आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, हर किसी को ये पर्सन जज कर सकता है, और ये आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जजमेंट का राइट है ये आपने अपने लिए दिया है, मगर आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को जज करने का राइट इस पर्सन के अंदर नहीं होना चाहिए। बट हाँ, पास्ट इश्यूज़ आप लोगों को परेशान करेंगी, तो आपको हमेशा इनको ऐसा दिखाना होगा कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, आपको वो ड्यू अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट कंसर्न हर एक चीज़ देनी पड़ेगी। और अगर ये कोई चीज़ कर रहे हैं जो कि रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग गलत है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, तो इनको इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि उन्हें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, वो अभी चेंज करने की एनर्जी में नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को चेंज कर लेंगे, नहीं, तो अभी ये पर्सन बिल्कुल भी चीज़ों को चेंज करने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है और आगे भी इंटरेस्टेड मुझे नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ एक ऐसे सिचुएशंस भी हैं जो इसलिए प्रेजेंट हैं क्योंकि उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों में बात होने में डिले होना,
ये जो टाइम चेंज कर रहा है जो पॉजिटिव के लिए चेंज होगा, ओके पॉजिटिव होगा, उसमें डिवाइन ने आपके लिए जो भी डिसाइड किया, अगर इस पर्सन का आपके लिए रहना सही है तो ये पर्सन रहेंगे, अगर इस पर्सन का आपके लिए रहना सही नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा, ओके तो वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पूरे सिचुएशन में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद जो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी वही डिवाइन ने आपके लिए रखा है, ओके तो अभी जो करंट फीलिंग है वो ये है कि आप चीज़ें करो, ओके आप ये कुछ भी ना करें, ये अगर चीज़ों को दाएं बाएं कर रहे हैं तो आप उन्हें करने दो, आप उन्हें इन सारी चीज़ों पे टोको मत, कुछ बोलो मत, ये अपनी चीज़ों के पीछे भागते रहें, आप कुछ अटेंशन ना पे करो और आप इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करो। सो आपके साइड से भी कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं, इनके साइड से भी कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इट इज़, आप लोगों को ये रियलाइज़ करना होगा कि आप जिस रिलेशनशिप के लिए इतने पॉजिटिव हो उसमें अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मुश्किल आएगी आगे, ओके तो ये उस पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए, ऑल्दो ये वेट कर रहे हैं मगर बहुत ज़िद्दी है और जिन बातों पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो बातें अब लड़ाई करने के लायक ही नहीं है, ओके सो आई विल जस्ट टेक आउट अ मैसेज कार्ड फॉर यू पीपल, तो लेट मी सी कि मैसेज कार्ड में आपके लिए क्या आता है। सो दो कार्ड्स आ गए हैं, 10 of Wands and 7 of Wands, ओके तो सबसे पहली बात है कि अगर चीज़ों अगर आप दोनों में से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो तो अभी बंद कर दीजिए, एंड 10 of Wands आपका डेस्टिनेशन आपके काफ़ी पास है, इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना होगा, तो अब यहाँ पे स्टॉप करने का कोई पॉइंट नहीं है, और ऐसे भी जो नेक्स्ट एनर्जी आपकी चल रही है वो पॉजिटिव चल रही है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी पॉजिटिव चल रही है, तो आपके बेस्ट अफेयर में जो होगा वो चीज़ें आपके साथ होंगी। ये एक पर्सनल रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, आई होप चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हों, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कुछ भी लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं जो कि होगा हमारा ऑरेंज पाइल, तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल, ओके देखते हैं कि ऑरेंज पाइल के लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। The world, Queen of Swords, Ace of Wands, 10 of Pentacles. ओके सो किसी ऐसे पर्सन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, या आप में से बहुत लोग, सारे तो नहीं मगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड होंगे या मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं किसी ऐसे पर्सन के वजह से जो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ है, जो चीज़ों को ओके सो पूरे सिचुएशन में जो सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी तो दुनिया कंप्लीट हो गई थी, ये पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके साथ थे, आप दोनों की एक जो बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को कलेक्ट और कंप्लीट करने की चीज़ हिम्मत थी वो बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट आपके रिलेशनशिप में या तो आपके पार्टनर ने या फिर किसी थर्ड पर्सन ने एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी जहाँ पे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है लॉन्ग टर्म पे वो काफ़ी मिस्टीरियस जोन ऑफ लाइफ से निकल के जा रहा है, ओके तो हो सकता है आप चाहते होगे कि आपके पार्टनर आपके अकॉर्डिंग चले या कुछ भी, या आपके अकॉर्डिंग ये अपने चीज़ों को करें, या आपके पार्टनर चाहते होंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपके खुशियों को देख के शायद उतना खुश नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को अपने हाथ में चीज़ें चाहिए, इस पर्सन को अपने कंट्रोल में चीज़ें चाहिए, तो वो आपके रिलेशनशिप को जो कि काफ़ी प्रोटेक्टेड है, जो कि काफ़ी अमेजिंग था, बट उसमें छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी के रिलेशनशिप में रहती हैं, उन दिक्कतों के थ्रू ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर करने में सक्सेसफुल रहा, ओके तो एक न्यू बिगनिंग या आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है
कि जिसने जिसके बारे में भी आपने सोचा है वो पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फिजिकली भी अटैच्ड है, ओके, और फाइनेंशियली भी अटैच्ड है। आप लोगों की हो सकता है एक फैमिली हो, या आपस में आप लोग एक दूसरे के फैमिली से कनेक्टेड हो, ओके, या आप दोनों ही एक फैमिली का हिस्सा हो, ओके, मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हो सकते हो, ओके, तो आप दोनों के अंदर एक चीज़ों को करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके अंदर एक फ़िज़िकल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, ओके, और आप इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते होगे और आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहते होगे, ओके, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि ये पर्सन आपको अपने हाथ से तो जाने नहीं देगा। हाँ, ये अपने वर्क लाइफ में, वर्क कल्चर में काफ़ी ज़्यादा बिजी हों इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो इनकी फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ये और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। बट समवेयर आई फील कि ये पर्सन आपके साथ रह के, आपके साथ कनेक्टेड रह के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है। हो सकता है आपकी इनसे सेकंड मैरिज हुई हो, या आप दोनों के लाइफ में ये एक सेकेंड मेजर रिलेशनशिप हो, ओके, बेबीज़ के इन्वॉल्व होने का काफ़ी चांसेस है, फिज़िकल एफिलिएशंस होने का काफ़ी चांसेस है, ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी भी डोमिनेटिंग एनर्जी देखी जाए तो आप भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, मगर आपके सिचुएशन में कुछ चीज़ें जो हो रही हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस हैं और आपको उन पर ध्यान रख के और ध्यान दे के चलना होगा। एक चीज़ को ध्यान देते देते और चीज़ों को नहीं भूलना इज़ अ ग्रेट आइडिया, ओके। पूरे सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे कहेंगे कि मैम उनकी जो फैमिली है वो एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रही है, या वो आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ें हो रही हैं, और बहुत किसी के पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों जो ऑरेंज पाइल के लोग हैं उनमें एक सेट ऑफ पीपल हैं जिनके पार्टनर और जिनका रिलेशनशिप एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, और एक सेट ऑफ पीपल है, मतलब दोनों ही सेट ऑफ पीपल में ये चीज़ कॉमन है कि आप लोग एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, ओके, मगर एक सेट ऑफ जो लोग हैं उनके केस में कोई थर्ड पार्टी एक्ट कर रहा है, और एक केस ऑफ जो लोग हैं उनके केस में वो इनकी फैमिली हैं, आप मतलब उनके फैमिली हो, या आप उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हो, आप का उनके साथ काफ़ी एक अच्छा समय स्पेंड हुआ है, तो आप लोगों के बीच में एनर्जी काफ़ी अच्छी रन कर रही है, तो चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चलेंगी। किसी किसी लोगों के केस में एट ऑफ कप्स, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको देख के भी अनदेखा करें, थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के होने का काफ़ी चांसेस है, हो सकता है ये जो जर्नी आपसे दूर ली जा रही है वो किसी थर्ड पार्टी के वजह से हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ओके, सो इवन इफ ही और शी वॉन्ट्स टू बी विथ यू, प्रोबेबली वो अपने इमोशंस को आपके सामने खोल के नहीं रख रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं, सो इवन इफ़ दे वॉन्ट टू टेल यू, वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इग्नोरेंस दे रहे हैं, ओके, मे बी वो अभी थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस से बाहर रहना चाहते हो, मे बी इस पर्सन को कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो इनको अलग चीज़ों में अलग तरीके से गाइड कर रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड अटैचमेंट होने के चांसेस काफ़ी हैं, जिसके वजह से सारा कुछ एक्सप्रेसिव होने के बावजूद भी, ओके, चीज़ें रिलेशनशिप में थोड़ी अपसाइड डाउन है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत है, तो या तो आपके पार्टनर या आप में से कोई एक पर्सन एक दूसरे पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल इश्यूज आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्यार में प्यार तो नज़र आ ही रहा है मगर पैसा भी काफ़ी नज़र आ रहा है, तो मनी रिलेटेड इश्यूज होना या तो आपकी आपके लाइफ में हो या आपके पार्टनर के लाइफ में हो, आपके पार्टनर के लाइफ में देखिए ये हो सकता है कि मनी उनके पास हो मगर अभी उनका कैश फ्लो या
बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा हो. ओके, फूल की एनर्जी है तो ऑफ कोर्स थोड़ा मज़े में और हैप्पी रखना चाहेंगे ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को. अभी थोड़ा ये पर्सन बात नहीं सुनना चाहता है. इग्नोरेंस वाले लोग भी यहाँ पे हैं ऑरेंज पाइल में, तो कुछ लोग हैं जो इग्नोरेंस वाले फेस से निकल के आ रहे हैं और कुछ तो हैं जो थर्ड पार्टी इशूज़ को फेस कर रहे हैं, जिनके केस में थर्ड पार्टी इशू है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी इशू की वजह से आई है या किसी नए रिलेशनशिप के वजह से आई है. द मून, पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर लॉजिक और इमोशंस के बीच में फंस के रह गए हैं. ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मन का, एक्चुअली अपने मन का भी नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ों को बस इग्नोर कर रहे हैं, ये मेजर फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं. तो ये आपके लिए भी यही सेम चीज़ सोचते होंगे कि ये अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको नहीं बता पा रहे हैं. हो सकता है इस पर्सन के घर में बहुत प्रॉब्लम्स हों, बहुत इशूज़ हों. ओके, और आप अगर इनसे पूछोगे तो ये आपको अपने प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स वन ऑन वन ना शेयर करना चाहें. ओके, तो ये उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और यही रीज़न है कि शायद आपको इस पूरे सिचुएशन में इग्नोरेंस मिल रही है. बहुत सारे के केसेस में ये भी है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके वजह से भी ये इग्नोरेंस है. तो अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपका रिलेशनशिप आपके हाथ से थोड़ा दाएं बाएं हो चुका है. अगर ये पर्सन किसी नए रिलेशनशिप में है तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर्सन को रोकना. अगर नहीं है, ओके, ऑल दो एनर्जीज चेंज करती हैं, और अगर ये पर्सन किसी नए रिलेशनशिप में नहीं है, आपके ही साइड पे है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो एक्सप्रेस कीजिए अपने एक दूसरे को, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कीजिए. आपको भी ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की और इनको भी ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की. ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो मनी और फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे बना हुआ हो. ओके, मे बी आपने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया हो, मे बी ये पर्सन आपके साथ बस इसलिए हो क्योंकि आपसे इस पर्सन को फाइनेंशियल बेनिफिट हो, या आपसे इनको फिज़िकल बेनिफिट हो, या एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें एक पार्टी को पैसे की क्या प्रॉफिट हो और एक पार्टी को फिज़िकल गेंस का प्रॉफिट हो. तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है. कोई नया काम जिस पे आपके पार्टनर लुक कर रहे हैं, कोई नया पर्सन जिस पे आपके पार्टनर लुक कर रहे हैं, उसके वजह से भी इग्नोरेंस आ सकता है. तो इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी दाएं बाएं यहाँ पे नज़र आ रही है. किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है पूरे सिचुएशन में, मगर वो पर्सन कौन है ये आपको भी नहीं पता है और यहाँ पे भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई है. ओके, इस टाइप के लोग फॉर दैट मैटर बहुत फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अगर इनके पास पैसे होते हैं तो ये किसी को भी देने से पीछे नहीं हटते और मेक श्योर करते हैं कि इनके सामने किसी भी पर्सन को कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई मेजर दिक्कत ना आए. लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों से भी घिरे हैं जो उनका हित चाहते हैं और ऐसे लोगों से भी घिरे हैं जो उनका ज़रा सा भी अच्छा नहीं चाहते हैं. तो यहाँ पे फिर फैक्टर ये आएगा कि उनको खुद के डिसीजंस खुद से लेने होंगे. एक फैक्टर तो है आपके रिलेशनशिप में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बिना बेनिफिट के ये इकलौते प्यार पे नहीं चल रहा है. तो ये चीज़ में आपको एक बार रिलेशनशिप को थिंक करना चाहिए कि क्या एक ऐसा रिलेशनशिप रखना सही है जो बेनिफिशियल हो, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो बेनिफिट्स ख़त्म हो जाती हैं ना. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिज़िकल ब्यूटी भी कब तक रहेगी, पैसे भी कब तक रहेंगे. तो रिलेशनशिप को स्टैंड कराने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, कहीं ना कहीं रीज़नलेस एंड ओनली इमोशनल कनेक्शन पे रिलेशनशिप होना चाहिए, जो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऊपर नीचे नज़र आ रहा है. ओके, आपके काम को कोई तीसरा पर्सन ख़राब भी कर सकता है, काम को इन द सेंस आपके रिलेशनशिप को. ओके, और आपके वर्क लाइफ को भी, काम मतलब वर्क लाइफ को कोई और भी पर्सन ख़राब कर सकता है, तो थोड़ा बच के रहें. चैरिटी भी अभी के टाइम पे आपको करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेक श्योर कि आप चैरिटी कर रहे हो एंड मेक श्योर कि आप अपने मूड को अपने रिलेशनशिप पे हावी नहीं होने दे रहे हो जो कि आपके पार्टनर कर रहे हैं. अपने मूड के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को चला रहे. तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये हमारी एक जनरल रीडिंग है. तो चीज़ें आपको हो सकता है रेजोनेट भी हुई हो, ना भी हुई हो. अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप दूसरा कोई वीडियो देख सकते हैं. और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं.
लास्ट जो हमारे रीडिंग का पार्ट बच गया है वो है मैसेजेस। तो मैसेजेस में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल मेस में ना पड़ें एंड समवेयर अपने लाइफ के हैप्पीनेस को आपको इन्जॉय करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।